Today we are going to learn material noun. In Urdu, isme maddi. Now, the definition of material noun. Material nouns are names given to the raw elements or subjects exist in the nature and cannot be created by human being. Yani, nature ke zariye hamein jo raw elements खाम अनासिर या कच्ची चीजें दरियाफ्त हो रही हैं, उन रॉ एलिमेंट्स के लिए जो नाउन यूज हो रहा है या जो नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हीं नाउन को या नाम को मटेरियल नाउन्स या इसमें मादी कहा जाता है. उसी तरह ये जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, इनको ह्यूमन बीइंग यानी कोई भी इंसान क्रिएट नहीं कर सकता. ये सब के सब गॉड गिफ्टेड है. तो इनको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर. वाटर यानी पानी. पानी ये गॉड गिफ्ट है, हमें नेचर से मयसर है, नेचर से मिलता है, डिफरेंट सोर्सेस से. यहाँ पर देखिए माउंटेन से है या अर्थ से है, डिफरेंट सोर्सेस से ये वाटर हमें मिलता है. इसलिए वाटर ये मटेरियल नाउन या इसमें माद्दी कहलाएगा. उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल वुड. वुड यानी लकड़ी. डिफरेंट प्लेस से ये लकड़ी हमें मिलती है और लकड़ी को देखिए फॉरेस्ट से, और इस वुड को या लकड़ी को मैं या आप या कोई भी ह्यूमन बीइंग बना नहीं सकता. इट इज बाय द नेचर. तो इसलिए वुड या लकड़ी ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया. उसी तरह सनलाइट, सूरज की रोशनी जो स्काई से होते हुए अर्थ तक पहुंचती है, स्काई से होते हुए अर्थ तक पहुंचती है. इट इज बाय थ्रू द नेचर. ये नेचर के जरिए, कुदरत के जरिए हमें मिल रहा है या मिल ये कुदरत के जरिए हमें मिल रही है. तो इसलिए ये सनलाइट क्या हो गया यहाँ पर, मटेरियल नाउन. रेन यानी बरसात. बरसात देखिए यहाँ से स्काई से बारिश नीचे की तरफ में आ रहा है, स्काई से बारिश हमें मिलता है. एंड इज क्रिएटेड बाय द नेचर. इसको नेचर ने क्रिएट किया हुआ है, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई इंसान इसको क्रिएट नहीं कर सकता. ओवरऑल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जो बाय थ्रू द नेचर हमें मिल रहे हैं, हमें हासिल है, उन्हें हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं. तो यहाँ पर रेन ये मटेरियल नाउन हो गया. उसी तरह उल जो हमें शिप से मिलता है और ये भी गॉड गिफ्टेड है या बाय थ्रू नेचर हमें मिलता है, कोई भी इंसान इसको क्रिएट नहीं कर सकता. नेक्स्ट वन कोल यानी कोयला, सैंड यानी रेत, रॉक, सॉल्ट, सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड सोना, आयरन लोहा. तो ये जितने भी यहाँ पर नाउन हमने लिखे हुए हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं या इसमें मादी उर्दू में. तो इस तरह से ये के जितने भी रॉ एलिमेंट्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, कुदरत से हासिल होते हैं और कोई भी इंसान उनको बना नहीं सकता, उन्हें क्या कहेंगे हम, मटेरियल नाउन या इसमें मादी कहते हैं.